स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अश्क गौरी। खबरों की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर के साथ खबरों की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो भोपाल से मिल रही है, बढ़ती बेरोजगारी पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर सरकार पतन को कहा है, सरदर्द, घबराहट, चिड़चिड़ापन कोरोना के लक्षण नहीं, बीजेपी हटाएं, ये लक्षण कोरोना के नहीं, पैसे की कमी और बेरोजगारी के हैं, इस लक्षण को बीजेपी हटाकर ही ठीक किया जा सकता है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर एमपी कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है और ट्वीट में लिखा गया है कि इन लक्षणों को अगर हटाना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना होगा, तभी इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ये लक्षण कोरोना के नहीं है, पैसे की कमी और बेरोजगारी के हैं, इस लक्षण से बीजेपी को हटाकर ही ठीक हुआ जा सकता है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, सरदर्द, घबराहट, चिड़चिड़ापन। अतुल शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अतुल, कोरोना के लक्षण नहीं, जो लक्षण बताए हैं वो बेरोजगारी, पैसों की कमी और उपाय भी बता दिया है कि बीजेपी को हटा दो, मतलब उपचुनाव में। बिल्कुल रश, इस समय मध्यप्रदेश की सियासत में बेरोजगारी एक मुख्य मुद्दा है। दोनों ही राजनीतिक दल, बीजेपी कहें या कांग्रेस, दोनों ही सियासतकार एक दूसरे पर बेरोजगारी मध्यप्रदेश से खत्म करने के लिए विफल बता रहे हैं। हालांकि कांग्रेस 15 साल की दुहाई दे रही है कि 15 साल बीजेपी की सरकार रही, लेकिन ऐसे में मध्यप्रदेश के युवाओं को पलायन करना पड़ा और कांग्रेस जो बीजेपी है, बीजेपी कांग्रेस के 15 माह को बताते हुए बेरोजगारी पे हमलावर हो रही है। लेकिन वही अब इसी बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिशियल ट्वीट से एक ट्वीट होता है जिसमें कुछ लक्षण बताए गए हैं जो कोरोना संक्रमण से मिलते जुलते हैं, जिसमें सिर दर्द, बदन दर्द, तनाव और नींद ना आना, ये सब लक्षण बताए गए हैं। लेकिन उसमें तंज कसा गया, उसको साफ तौर पर कहा गया कि अगर ये सारे लक्षण आपके अंदर हैं तो आप कोरोना पीड़ित नहीं बल्कि बेरोजगारी से पीड़ित हैं और इसके लिए अगर आपको इलाज करना है तो मध्यप्रदेश में जो चुनाव आ रहे हैं वो चुनाव उसमें बीजेपी को हटाना होगा। यानी रश के ये कह सकते हैं कि मध्यप्रदेश के अंदर इस समय हालांकि उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन दोनों ही राजनीतिक दल अभी से ही एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं ताकि जनता के बीच में जब चाहे तो बेरोजगारी जो एक वाकई एक ज्वलनशील मुद्दा है मध्यप्रदेश के युवाओं में, क्योंकि कई युवाओं को मध्यप्रदेश में बेरोजगारी के चलते दूसरे प्रदेश में पलायन करने को होना पड़ता है, जिसकी तस्वीर हमने अभी लॉकडाउन के दौरान देखी जब एक बड़ी मात्रा में दूसरे प्रदेश से मध्यप्रदेश की तरफ पलायन किया लोगों ने, एक बेरोजगार रोजगारों जो दूसरे प्रदेश में रोजगार के लिए गए थे। यानी आज की स्थिति में भी यानी कह सकते हैं कि 15 साल का बीजेपी का शासनकाल, उससे पहले का 10 साल का दिग्विजय सिंह का शासनकाल और अभी 15 महीने का कांग्रेस का शासनकाल, लेकिन मुद्दा बेरोजगारी का वही है। कोई ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं जिसको ये कह सकते हैं कि मध्यप्रदेश के जो युवा हैं वो मध्यप्रदेश के लिए कुछ यहाँ पे रास्ते खोले गए हों या कुछ ऐसी फैक्ट्रीज लगाई गई हों जिससे मध्यप्रदेश के युवाओं को बाहर पलायन न करना पड़े। हालांकि रस अभी जरूर दिलचस्प होगा, क्योंकि जब दोनों ही सियासतदार, दोनों ही राजनीतिक दल जब 27 विधानसभा में जाएंगे तो जनता ये जवाब जरूर मांगेगी कि आखिर इनके कार्यकाल में बेरोजगारी खत्म करने के लिए। ठीक है, आपको रोकना चाहूंगी अतुल, बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से स्पोक पर्सन है दीपक विजयवर्गीय जी, फोन लाइन पर जुड़ गए। विजयवर्गीय साहब, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका और बहुत स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद जी। कांग्रेस कह रही है कि सरदर्द, चिड़चिड़ापन, घबराहट ये कोरोना के लक्षण नहीं है, ये बेरोजगारी और पैसे की तंगहाली के लक्षण है। अगर इस बीमारी से बचना है तो आपको बीजेपी को हटाना है, रिएक्शन चाहिए सर आपका। अब ये सारी समस्याएं कांग्रेसियों के साथ हो रही है क्योंकि सत्ता उनके हाथ से निकल गई है, जमीन उनकी खिसक चुकी है। कांग्रेसियों की समस्या है, कांग्रेसी अपनी समस्या से कैसे निपटते हैं ये हो जाने। नहीं, वो प्रदेश की जनता को कह रहे हैं, ट्वीट किया है प्रदेश की जनता से। उनके कहने से और उनकी कोई गंभीरता है नहीं कहने की। मध्यप्रदेश की जनता उनको अच्छे से जानती है और 15 महीने में और भी अच्छी तरीके से जान गई है। सर, 15 साल में भी प्रदेश की जनता सब दोनों ही पार्टियों को जान गई है, ये भी मत भूलिए सर। नहीं, मतलब आप कांग्रेस के बयान की अपने पक्ष में क्या सर, मैं सर ये तो गलत बात है कि अगर मैं सवाल करूं तो आप सीधे सीधे ये आरोप लगा दें। नहीं, मैं सुनिए ना विजयवर्गीय जी, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। नहीं, एक तरफा कम्युनिकेशन नहीं चलेगा ना विजयवर्गीय जी, सुन तो लीजिए।
मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि 15 साल में भी दोनों ही पार्टियों को और पूरे देश के सिनेरियो में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको भी जनता जान गई है। इसमें इस सवाल को और इस बात को अलग तरीके से लेने की जरूरत ही नहीं है। के मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिश्रा जी बहुत स्वागत है। आप कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि चिड़चिड़ापन, घबराहट, ये जो तमाम चीजें हैं वो कोरोना के लक्षण नहीं है, ये लक्षण उन चीजों के हैं क्योंकि आपके पास रोजगार नहीं है, आपके पास पैसे की तंगहाली है। अगर इन लक्षणों से निजात पाना है तो बीजेपी को हटाना है। मैं सोचता हूँ कि इसमें कुछ भी गलत आकलन करना। मिश्रा जी आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी। दीपक विजयवर्गीय जी जो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन थे उन्होंने सवाल का जवाब दिया और सवाल का जवाब दे रहे थे जिसपे मैंने काउंटर क्वेश्चन किया तो उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मतलब उनके पास जवाब नहीं था सवाल का तो फोन ही डिस्कनेक्ट कर दिया। अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। जनता को यह बात बताना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि जब सवाल करता है पत्रकार तो उसे पार्टी विशेष से जोड़ दिया जाता है, चाहे वो पक्ष से करे चाहे विपक्ष से करे, लेकिन जब सवाल किया जाता है तो उसको टैग लगा दिया जाता है कि नहीं आप इनके समर्थित पत्रकार हैं। स्वराज एक्सप्रेस एक ऐसा निष्पक्ष चैनल है और यहाँ पे कार्य करने वाले तमाम पत्रकार इतने निष्पक्ष हैं कि वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होते, बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। मिश्रा साहब चाहूंगी आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए मैं आपके साहस को सैल्यूट करता हूँ और तो पूरे स्वराज ग्रुप को साधुवाद देना चाहता हूँ कि आप हकीकत यदि जनता को दिखा रहे हैं तो अधिनायकवादी विचारधारा उस हकीकत को स्वीकार करने के लिए सक्षम नहीं है। आप वही बात बोलिए जो इन्हें पसंद हो। यदि आप उन्हें पसंद आने वाली बातें बोलेंगी, उस भाषा का आप इस्तेमाल करेंगी तो आप राष्ट्रभक्त कहलाएंगी। और यदि आपने उनकी विचारधारा से भिन्नता रखी तो आप वो व्रत नहीं, आप राष्ट्रद्रोही कहलाएंगे। ये तरीके भारतीय जनता पार्टी ने कर चुका है। मिश्र साहब आने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस की कितनी तैयारी देखने को मिल रही है क्योंकि आज पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी अपने तमाम आला जो दिग्गज नेता हैं उनके साथ एक मीटिंग भी कर रहे हैं और जीत के मंत्र और टिप्स भी देंगे, तो क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस कम बैक कर रही है? मैं देखिए ज्योतिष नहीं हूँ मगर एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ और काफी समय से राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। एक ही पार्टी में कई दशकों से मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही के रूप में काम कर रहा हूँ। उस अनुभव के आधार पर मैं आपको शेयर कर सकता हूँ और ये शेयर नहीं है, आवाम की आवाज है, जनता की भावना है। और मैं दृढ़ता से कह रहा हूँ कि माननीय कमलनाथ जी इस प्रदेश के उपचुनाव जैसे ही होंगे उसके बाद तत्काल मुख्यमंत्री के रूप में काबिज होंगे और उन्हें उस जनता के लिए फिर सेना का मौका प्रदेश की जनता देगी और फिर का परस्त लोगों को घर बैठाने के लिए जनता तैयार है, आप और हम देखेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मिश्र साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। हालांकि दीपक विजयवर्गीय जो स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ सवाल किया था, सवाल ये था जब उन्होंने कहा कि 15 महीने का कार्यकाल कांग्रेस का देखा तो मैंने काउंटर क्वेश्चन किया कि भाई 15 साल का भी कार्यकाल देखा है, तो तमगा लगा रहे थे और उस तमगे से बेहद आपत्ति है। आपत्ति मुझे इसलिए भी है क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के चौथे स्तंभ हैं और अगर हम सवाल नहीं करेंगे, और मैं उस स्तंभ का प्रतिनिधित्व करती हूँ, हमारा चैनल उस स्तंभ का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए सवाल करता है।